दोस्तों, क्या आप भी फूल गोभी के पत्तों को फेंक देते हैं? इन हरे पत्तों से आज मैं इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बताने वाली हूँ जिसका कि स्वाद आपने पहले शायद ही कभी चखा हो। आइए जानें इसे बनाने की विधि। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम फूल गोभी के हरे पत्तों को बारीक काट लेंगे। दोस्तों, फूल गोभी के पत्तों में भारी मात्रा में आयरन, फाइबर, पोटेशियम और फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में लाभप्रद होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह वेट रिड्यूस करने में भी काफी लाभप्रद होता है। अब हम लेंगे दो बॉइल्ड आलू और इसे काट लेंगे इस तरह से। अब हम लेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और इसे भी काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे इतना सरसों तेल, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, इसे भी चलाएंगे और डालेंगे इसमें बॉइल्ड आलू जो हमने अभी कट करके रखा था, इसे एक बार चलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे फूल गोभी के हरे पत्तों को जो हमने काट के रखा था। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे इस तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक और इसे इस तरह से चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब सबको इस तरह से चलाएंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। दोस्तों, ये रेसिपी जितना ही आसान है उतना ही लाभप्रद भी है। आप देख सकते हैं, ये देख के ही इतना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। Thank you.